पूरे देश समेत जमशेदपुर में भी विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जा रहा है। बाराद्वारी स्थित डॉ निर्मल कुमार के क्लिनिक में चिकित्सकों के साथ साथ मरीजों ने भी इस स्ट्रोक के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कैसे इससे बचा जाए, इसके लिए सभी ने प्रण लिया। इस भाग दौड़ की जिंदगी में जहां एक तरफ लोगों के खान पान में बदलाव हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों में स्ट्रोक की समस्या बढ़ती जा रही है। इसके लिए विश्व स्ट्रोक दिवस पर जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण जैसे शरीर के एक तरफ कमजोरी, जुबान लड़खड़ाना, कंफ्यूजन की स्थिति, चेहरे पर टेढ़ापन, इन सब के संबंध में सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी साझा की। जानकारी देते हुए डॉक्टर निर्मल कुमार ने बताया कि 40 वर्ष से ऊपर आयु होने के बाद लोग अपने शरीर का जांच कराए, नशे से खासकर धूम्रपान, अल्कोहल से बचे, शरीर में कोलेस्ट्रॉल, शुगर, मोटापा को कंट्रोल करें, जो कि इस स्ट्रोक के मुख्य कारण है। उन्होंने बताया, फास्ट पर ध्यान दे। फास्ट का मतलब है लक्षण से लेकर टाइमिंग तक की जानकारी, जिससे चिकित्सकों को इलाज करने में सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि विश्व स्ट्रोक दिवस पर आज प्रण लिया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके। इसको कहते हैं हल्के तरह का झटका लगा, लोग इसको इग्नोर करते हैं, हम तो ठीक हो गए। नहीं, ऐसी स्थिति में टाइम नोट करें और डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि आगे में फिर इस लक्षण जो है आपको एक तरह वार्निंग दिया है, आप अगर नहीं समझेंगे तो पूरा पक्षाघात हो जाएगा। इसके इस वार्निंग को समझें और समझ करके डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा होता है कि जो मैंने क्या कहा शुरू में कि 90% प्रिवेंटेबल है, तो क्या क्या रोग है जिससे कि बचना है आपको। ब्लड प्रेशर, हर व्यक्ति साधारणतः, जो हमारा एक प्रिंसिपल है साधारणतः यही चलता है कि 40 साल की उम्र में हर व्यक्ति अपने बारे में अपना फिजिकल ध्यान साबित घातक साबित हो सकता है, तो ये इसको देखना है, समझना है। दूसरा क्या है, हम लोग यहाँ एक प्रचलन हो गया है सिगरेट पीना, ये बहुत ही खराब है और तरह तरह की बीमारियाँ होती है, लंग्स का कैंसर, हृदय का कैंसर, हार्ट का बीमारी, तरह तरह के। तो सिगरेट तो बिल्कुल ही नहीं पिए, इससे बिल्कुल मदपान नहीं करें। अधिक मात्रा में अल्कोहल, अपने बारे में कोलेस्ट्रॉल का जाँच करा लें, शुगर की जांच करा लें, ब्लड प्रेशर की जांच करा लें, ताकि इसे संयमित रखते, इसे कंट्रोल करें, कंट्रोल कर करके ये जो पक्षाघात या लकवा की बीमारी से बचने का सबसे साधारण और आसान तरीका है। तो प्रिवेंशन के लिए जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये सारे विश्व में इस तरह की बातें तरह तरह के कारण होती है, अगर जानकारी हो जाएगी तो लोग उसको प्रिवेंट करेंगे, उसे बचने की कोशिश करेंगे। और ये सारी आदतें हैं, जो सिगरेट नहीं पीना तो कोई अच्छी आदत नहीं है, उसको तो पीना ही नहीं चाहिए, और उसको अगर पीते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दें। कोलेस्ट्रॉल को देख लें, अपने खान पान से परहेज करें। आज विश्व स्ट्रोक दिवस है, इसके लिए किस तरह का अवेयरनेस की जरूरत है और क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगे सर? आज जो विश्व स्ट्रोक दिवस पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है, इसका मुख्य कारण है कि लोगों में जागरूकता फैलाना। जैसे कि 90% लोगों में अगर ठीक से जागरूकता रहेगी तो इस स्ट्रोक की बीमारी नहीं हो सकती है, यानी बचाव के रूप में हुई। और कुछ ऐसे लक्षण हो जिसको अगर आता है तो इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना है, जैसे कि अचानक आवाज़ में लड़खड़ाहट आ जाना, कंफ्यूज हो जाना, या एक हाथ या चेहरा के कोई पार्ट में अचानक नंबनेस हो जाना, या फिर इस शरीर के आधे अंग में एक तरह का कमजोरी हो जाना, या साथ ही साथ अगर उसे टिंजलिंग या झिंझनी तक, या एक तरह से समझे नंब हो जाना, तो ऐसे में लोगों को जरूरी है कि वो जाकर डॉक्टर से संपर्क करें, इसका निदान अच्छे से करें, डायग्नोसिस अच्छे से होना चाहिए। सबसे जरूरी बात है कि सभी व्यक्तियों को, खासकर 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को अपना हेल्थ चेकअप जरूर करना चाहिए, जिसमें ब्लड प्रेशर भी चेक हो जाएगा, साथ ही साथ उनका शुगर का क्या लेवल है, डायबिटीज़ है कि नहीं उसको भी देखना है, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर व्यक्ति सिगरेट पीता है तो बिल्कुल बंद करें, उसकी आदत न डालें लोगों में, और अगर अल्कोहल का ज़्यादा कंजप्शन करता है उसको भी ध्यान देने की बात है कि उसका कंजप्शन न करें, ताकि मोटापा या और तरह की बीमारियां साथ साथ न हो। ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाने से बहुत हद तक जो स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है, डायबिटीज़ कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल भी होना चाहिए, और मोटापा को दूर रखना चाहिए। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, उससे आदमी का मन में एक तरह की शांति भी रहती है, और खास करके मसल का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, रोग होने की संभावना कम रहती है, डायबिटीज़ और साथ साथ ब्लड प्रेशर दोनों में फायदेमंद। ये फास्ट जो कि बोला गया, फास्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जस्ट एक तरह का समझे निमोनिक बोलिए, या एक तरह एब्रिविएशन है। फास्ट मतलब हो गया व्यक्ति के फेस में, आधा फेस में या पूरे फेस में, जैसे भी हो, कमजोरी लगता हो या नंबनेस हो,
तो फेस पहले हो गया, उसी तरह से देखते हैं कि अगर कोई शरीर का अंग अगर कमज़ोर हो गया है, जैसे हाथ पैर तो उठा नहीं पाते हैं, तो वो देखना है। और इसके अलावा साथ ही साथ उसको पेशेंट का जो टाइम है, कितना टाइम में जो है ये लक्षण आया है, उस लक्षण को भी नोट करना है, ताकि डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो ठीक से बताएंगे कौन सा लक्षण कब हुआ, फिर लक्षण खत्म हुआ कि नहीं हुआ, या फिर दोबारा हो गया, या लक्षण होने के बाद फिर कोई उसमें कोई कमी नहीं आई। मतलब इस बीमारी से बचने का एक ही उपाय है अवेयरनेस। अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है, 90% अगर लोग इस पर ध्यान दें, 90% लोगों में ये बीमारी होगी ही नहीं। अगर होती है तो ठीक से उपचार करना है, इलाज करना है, काफ़ी हद तक फायदेमंद। आज आप लोगों ने शपथ भी दिलाया है, क्या शपथ दिलाया है कि लोग किस तरह से? हम लोगों ने शपथ दिलाया है कि जितने भी सारे लोग यहाँ अपना समय दे करके इस मीटिंग में आए हैं, तो वो एक कसम खाए हैं, एक तरह से शपथ लिया है कि वो भी हर व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों को इस मैसेज को फैलाएगा, ताकि पूरे भारत में और दूर दराज इलाकों में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, लोग इसको अवेयर होंगे और इस बीमारी से बचने के उपाय करेंगे।